हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस प्लेनेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो जैसा कि नजर आ रहा होगा, एसएससी चोर बिल्कुल कोई दोहराई दुख नहीं नहीं। है ये बात बोलने में, कहीं कोई डर नहीं है। एक छोटा सा कि ये चोर है और थी और रहेगी, ठीक है। 2017 का सीजन हुआ, ठीक है, काफी हंगामा हुआ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर भी हुआ। सोचा ठीक, कुछ इंप्रूवमेंट होगा एसएससी के अंदर, होगा होगा। और एक उससे भी बड़ा स्कैम अब आपके सामने दिल्ली पुलिस के अंदर। पहले देखने पर इस वीडियो को जल्दी देखो, इसको अभी देखो। देखो, आप वीडियो को देखो, उसके बाद बातचीत करेंगे आगे की। बिना बायोमेट्रिक के साले एग्जाम करा रहे हैं, आठ आठ दस बच्चों को बैठा के पैसा लेके पेपर करा रहे हो। मदरचोद नौटंकी लगा रखी है यहाँ पे। बंद करो सब, बंद करो। ये लोग पेपर दे रहे थे, देख लो भैया, ये साले साले पैसा दे दे, पेपर दे रहे हैं ये यार। बिल्कुल कुछ नजर आया। बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक ऐसा एग्जाम जिसका वेट बच्चों ने, हर किसी ने 3 साल तक किया। लास्ट 2017 में थी वैकेंसी, 2020 निकाल दी, 3 साल वेट किया। और पता चला कि वेट करने का नतीजा ये मिला कि जितनी वैकेंसी हो रही हैं, जितनी वैकेंसी निकाली दिल्ली पुलिस ने, उतनी वैकेंसी पे तो वो बच्चे लग गए जिन्होंने पैसे दिए थे, एक भी दिन पढ़ाई नहीं की। पैसे दिए 5-7 लाख रुपए लेके कहीं से भी दे दिए, ठीक है, पैसे बहुत थे, दे दिए, सिलेक्शन भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। उनका क्या, जो पिछले 3 साल से, जब लास्ट भर्ती थी तब से लेकर अब तक पढ़ाई की 3 साल तक लगातार, उनका क्या, वो आराम से अब अपना पढ़ाई कर ली, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स खरीद लिए, पढ़ लिए, सारे काम कर लिए। अब क्या करेंगे, वो चुपचाप बैठ के अब तमाशा देखेंगे कि कट ऑफ कितनी गई। आरपीएफ का देख लो, आरपीएफ देख लो, 120 आउट ऑफ 120। ओ हो, इतनी डाउन मेरिट भी कभी गई थी क्या आज तक जमाने में? मतलब ये तो वो बहुत आइंस्टीन ही थे जिन्होंने 120 आउट ऑफ 120 लिए थे। वो कोई आइंस्टीन नहीं थे, वो थे सारे पैसे वाले, ठीक है। इस देश में पैसा है, सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आराम से बैठ के देखते रहो, न्यूज चैनल खोल लेना, आराम से दिख जाएगा ये हो रहा है, वो हो रहा है, घोटाला हो रहा है, हमें क्या मतलब, हम अगले एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। कोई एग्जाम ऐसा भी होगा जिसमें हम भी पैसे दे देंगे, लग जाएंगे, तो कब तक ये। इससे अच्छा बोल ही दो एसएससी को कि आप डायरेक्ट वैकेंसी निकालने की बजाय, फॉर्म भरवाने की बजाय डायरेक्ट ही कह दो कि 10-10 लाख रुपए लेकर आ जाओ, जिसको जॉब चाहिए वो यही लेके आ जाएंगे डायरेक्ट। मतलब ये फॉर्म भरवाने की, इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है, ड्रामे करने की क्या जरूरत है। एग्जाम कंडक्ट करवा रहे, ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे जिसमें बायोमेट्रिक नहीं हो रही। कोई भी जाओ, किसी के भी स्थान पर जाके सीटर बन के बैठ जाओ। ऐसा हो रहा है कि आराम से बंदा बैठा है, उसका कंप्यूटर अपने आप चल रहा है, साइड वाला जो मेहनत करके गया था वो तमाशा देख रहा है कि मैं करूं तो भी क्या करूं। काफी दिन हो गए सुन रहे हैं, लगातार सीटर बैठ रहे हैं। अपने खुद के स्टूडेंट्स हैं, उनको बोले जा रहे हैं हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत वैकेंसी ले जाएंगे वो, बाकी तो आपको खुद ही करना है, आप लगोगे जॉब लगोगे। कब तक हिम्मत बढ़ाए उनकी, ऐसे ऐसी वीडियो निकल कर सामने आ रही है, कब तक वीडियो बढ़ाए, कब तक, मतलब हम अभी भी ये कहेंगे कि सामने आके कि हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, आपने पढ़ाई की है तो आप जॉब लगोगे, कब तक हिम्मत बढ़ाई भाई। बहुत हो लिया, आवाज उठानी पड़ेगी अगर जॉब चाहते।